एनडीए की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया है। पहले सेट में पीएम मोदी प्रस्तावक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनुमोदक रहे। इस सेट में बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य, केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के नाम हैं। वहीं दूसरे सेट में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रस्तावक रहे। इसमें भी प्रस्तावक के तौर पर 60 नाम हैं और 60 अनुमोदक हैं। इस सेट में सीएम योगी आदित्यनाथ, हिमांता बिस्व शर्मा के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रस्तावक हैं। वहीं तीसरा सेट हिमाचल और हरियाणा के विधायकों का है, वह भी प्रस्तावक और अनुमोदक है। चौथा सेट गुजरात के विधायकों का है, वह भी प्रस्तावक है। वहीं बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ने भी इस सेटों पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जिसमें एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से होगा और 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर आज एयरफोर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके जरिए सेना ने यह साफ कर दिया है वो किसी भी मूड में इस स्कीम को वापस नहीं लेगी। इससे पहले भी तीनों सेनाओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ किया था कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं बात करें अगर इस प्रक्रिया की, तो ये करीब 4 फेज में पूरी प्रक्रिया होनी है, जिसको लेकर 24 जून से लेकर 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होंगे। वहीं इसके भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो पहले फेज में ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। ऑनलाइन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें अंग्रेजी के पेपर को छोड़कर बाकी तमाम पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जा सकते हैं और ये करीब 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक पूरे किए जाएंगे। दूसरे फेज की बात करें तो इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट होना है, जिसको लेकर 10 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और इसकी प्रक्रिया करीब 21 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक चलनी है। वहीं तीसरे फेज में मेडिकल टेस्ट होगा, जो कि 29 अगस्त से 8 नवंबर तक किया जाएगा। वहीं चौथे फेज में 1 दिसंबर को जिन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया में अव्वल स्थान प्राप्त किया है उनको इसमें चुन लिया जाएगा और उनको एक तरह से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि वो चुन लिए गए हैं। ये उन 75% अग्निवीरों में से होंगे जिनकी सेना में सीधी भर्ती होगी। हालांकि 25% जो बाकी के अग्निवीर बचेंगे उनको आगे के लिए भी एक मौका दिया जाएगा। यह गौरतलब है कि तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन देश में देखे जा रहे हैं इस अग्निपथ योजना को लेकर। आज भी किसान मोर्चा ने काफी विरोध किया है, अलग अलग जगह पर बवाल भी मचा है, लेकिन इसको लेकर सेना का ये साफ मत है कि ये योजना वापस नहीं होगी। अब देखना ये होगा कि ये सेना में अब 4 साल की जितना भी इन्होंने टाइम रखा है उसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी थी, जिसके खिलाफ जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी याचिका पर सुनवाई की है और उस याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है और एसआईटी की जाँच रिपोर्ट को सही ठहराया है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। गुजरात दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। दरअसल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान जाकिया जाफरी के पति तब कांग्रेस से विधायक रहे एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मार डाला था। गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में एहसान जाफरी भी मारे गए थे। एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने एसआईटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। एसआईटी की रिपोर्ट में प्रदेश के उच्च पदों पर रहे लोगों को क्लीन चिट दे दी गई थी। एसआईटी ने राज्य के उच्च पदाधिकारियों की ओर से गोधरा ट्रेन अग्निकांड और उसके बाद हुए दंगे भड़काने में किसी भी साजिश को नकार दिया था। साल 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया की शिकायत खारिज कर दी थी। एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका गुजरात हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साल 2002 में हुए गुजरात दंगे के करीब 10 साल बाद एसआईटी ने ये जांच रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के कामकाज की तारीफ की है और साथ ही ये भी कहा है कि कुछ लोग न्याय प्रक्रिया को मजाक समझ रहे हैं।
SC ST एक्ट पर कर्नाटक कोर्ट का कहना है कि जब तक पब्लिक प्लेस में किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता तब तक SC ST एक्ट लागू नहीं किया जाएगा, जिसके चलते कई मामले जो दर्ज थे उनको निलंबित कर दिया गया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि पेशेंट में उनके साथ जाति सूचक शब्द कहे गए थे, वहां उनके दोस्त भी मौजूद थे। इस पर कोर्ट ने कहा है कि बेसमेंट पब्लिक प्लेस नहीं होता। जज MS नागप्रसन्ना ने 10 जून को इस मामले पर फैसला सुनाया था। मीडिया में यह खबर गुरुवार को आई थी। फैसला देते समय जज ने कहा था कि बयान को पढ़ने से दो चीजें पता चलती हैं, पहले कि यह इमारत का बेसमेंट पब्लिक प्लेस नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि शिकायतकर्ता उनके दोस्त और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। जातिवाद शब्दों का इस्तेमाल पब्लिक प्लेस में नहीं किया जाएगा। ऐसे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए पब्लिक प्लेस में जातिवाद शब्दों का इस्तेमाल होना जरूरी है। कोर्ट ने कहा था कि रितेश प्यास का भवन मालिक जय कुमार आयर नायर से पहले से विवाद था और उनके भवन निर्माण के खिलाफ स्टे भी लिया गया था। इसका निष्कर्ष निकलता है कि जय कुमार अपने कर्मचारी मोहन के कंधे पर बंदूक रखकर रितेश प्यास पर गोली चला रहे थे। इसी के साथ निचली अदालत में 323 के मामले को भी रद्द कर दिया गया है जो प्यास के खिलाफ किया गया था। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी निकाय चुनाव में जनता ने उनको नकार दिया है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि निकाय चुनावों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गजों के क्षेत्रों में जनता ने उनकी पोल खोल दी है। रोहतक, सोनीपत और पानीपत में कांग्रेस के बड़े नेता दावा करते थे जनता ने उन्हें निकाय चुनाव में सबको नकार दिया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ के सेक्टर 62-64 रोड पर बनी पुलिया के लोकार्पण अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के अवसर पर कहा कि इस रोड को आगामी समय में 4 लेन का कर दिया जाएगा, क्योंकि इस पर काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आगमन रहता है, इससे दर्जनों गांवों के लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में जिला विकास एवं कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की। साथ में विधायक नरेंद्र गुप्ता, नीरज शर्मा समेत DC व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने वर्ष 2050 तक को टारगेट लेकर विकास का ढांचा विकसित करने तथा इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी हिसाब से विकसित करने के लिए विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो या सीवर की, वर्ष 2050 को लेकर अधिकारी योजना बनाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नए क्षेत्र विकसित होंगे, ऐसे में बढ़ती आबादी को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर अधिकारी तालमेल बनाकर कार्य करें। इसके अलावा शहर के सौंदर्यकरण को लेकर भी अधिकारियों के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री व विधायकों के बीच चर्चा की, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के सौंदर्यकरण का मुद्दा जो है काफी अहम रहा। इसके अलावा जो बाईपास रोड पर एक्सप्रेसवे के दौरान जो सीवर व पानी की लाइनों को शिफ्टिंग करने की बाधाएं आ रही हैं, उसे लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और सीधे तौर पर अधिकारियों से कहा गया कि जो भी ठेकेदार निर्माण कार्यों को लेकर कोताही बरतेगा उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। कालावानी तहसील कार्यालय भ्रष्टाचार के मामले में बार बार सुर्खियों में रहा हो, लेकिन अब की बार देखने को मिला कि बिना तहसीलदार के हस्तक्षेप के ही रिश्तियां हो गई। जी हां, हुआ चूंकि कल कालावाली में सिरसा की तहसीलदार महोदय की ड्यूटी लगी थी रिश्तियां करने के लिए, तो जब उन्होंने मार्किंग करना शुरू की तो 3 रिश्तियां उनके सामने ऐसी आई जिन पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे, यानी कि जाली हस्ताक्षर किए गए थे। RC अशोक कुमार ने बताया कि उन 3 रजिस्ट्रियों पर मनजीत सिंह मकर, जो अधिवक्ता तहसील कार्यालय कालावली में ही बैठते हैं, उनके द्वारा हस्ताक्षर करके रजिस्ट्रियां करवाई गई थी। जब इस बात की बात तहसीलदार महोदय को लगी तो उन्होंने वह 3 रजिस्ट्रियां लेकर उपायुक्त महोदय के पास जो है शिकायत की है। अब देखना यह होगा कि कितनी उचित कार्रवाई इस पर बैठ पाती है, क्योंकि कालावली तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार बार बार देखने को मिला। अग्निपथ योजना के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा, किसान संघर्ष समिति पगड़ी संभाल जट्टा व छात्र यूनियन संगठनों ने आज रतिया में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने SDM की मार्फत राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और अग्निपथ योजना को तुरंत रद्द करने की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि सरकार रेगुलर भर्ती खोले
और इस योजना को रद्द करें, नहीं तो वह बड़ा आंदोलन भी करेंगे। भिवानी में आज एनआरएचएम के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, वह सरकार के आदेशों की प्रतियां भुगी। आपको बता दें, सरकार ने जो आदेश जारी किए थे उससे कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने आदेश दिए हैं कि जो कर्मचारी एनआरएचएम के तहत भर्ती किए गए थे उनका वेतनमान घटाया जाना है। उनका कहना है सरकार ने 17,000 कर्मचारियों पर इस तरह के आदेश थोपे हैं जो कि काफ़ी गलत हैं। आज बता दें कि एनआरएचएम के तहत कर्मचारी जो लगे हुए थे उन्होंने भिवानी के स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार की पूर्तियाँ भी फूकी। आपको बता दें, कर्मचारियों का कहना था कि उनकी भर्ती 2018 से पहले हुई थी। 2018 में सरकार से मांग की गई थी तो सरकार ने उनका वेतनमान बढ़ाया था। कोविड के दौरान भी उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी और पक्के कर्मचारियों के तहत ही उन्होंने काम किया था। जिस प्रकार से पक्के कर्मचारी काम करते हैं उसी दौरान उसी तरीके से ही उन्होंने कार्य किया था। उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी और कई बार वो कोरोना पॉजिटिव भी हुए, लेकिन सरकार के आदेशों की पूरी पूर्ति की थी। लेकिन अब फिलहाल सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसके तहत उनका वेतनमान घटाया जाना है, जिसको लेकर के वो काफ़ी रुष्ट हैं। उनका कहना है कि पूरे हरियाणा में 17,000 कर्मचारी हैं जो कि सरकार के आदेशों की प्रतियां आज जगह जगह पर फूंक रहे हैं। उनका सरकार अगर नहीं मानती तो उनका आंदोलन और ज़्यादा तेज होगा। सुबह मंदिर में बने तालाब में महिला की पैर फिसलने के कारण मृत्यु हो गई, डूब कर मृत्यु हो गई। परिजनों ने बताया कि सुबह रोज की तरह महिला मंदिर में बने तालाब में मछलियों को आटा डालने के लिए जाती थी। जब परिजनों ने बताया कि जब वो काफ़ी देर तक घर वापस नहीं लौटी तो उसके दोनों बेटे उसे ढूंढने के लिए मंदिर गए। मंदिर के तालाब के पास जाकर देखा तो महिला का शव तैर रहा था। तुरंत उन्होंने उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर आकर स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला। शव को बाहर निकाल कर पुलिस तफ्तीश में जुट गई। देश भर में कोरोना केस का लगातार बढ़ना जारी है, जिसके चलते कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 88,284 हो गई है। वहीं इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 17,336 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 88,284 हो गई है। और ये कुछ महीनों में कोरोना के मामलों में सबसे बड़ी उछाल दिखाई दी है, जिसमें 13 लोगों की मौत के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,954 हो गई है। वहीं देश भर में कुल 13,029 मरीज ठीक हुए हैं, जिसमें अब तक कुल 85 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं। वहीं बीच पिछले 24 घंटों में 4,01,654 टेस्ट भी किए गए हैं। वहीं देश भर में वैक्सीनेशन अभियान के साथ साथ बच्चों के लिए भी टीकाकरण तेज़ी से चलाया जा रहा है।